माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं मीनू मीनू और व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज है माता रानी का नवमा दिन, नवरात्रि का लास्ट दिन। आज 17 तारीख है और आज माता रानी की ना नवमी है, जो कि कन्या लांगड़ा वगैरह खिलाए जाते हैं। तो मैं आ गई अभी नहा के अंदर और बस मैं थोड़ी सी कर रही हूँ यहाँ पे तैयारियाँ पूजा के लिए, क्योंकि उसके बाद में फिर कन्या लांगड़ा वगैरह होते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है, कंचन बिठाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में नवरात्रि की पूजा से लेके खाना खिलाने से हर चीज़ से लेके बहुत सारी चीज़ें इसमें आज नई नई देखने को मिलेंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना पूजा की जो थाली है वो सजा लेती हूँ। तो ये देखो, अभी इसमें माता रानी के लिए हलवा, चना और पूड़ियों पे रखा है, इस पे रखा है। तो यहाँ मैं अभी सारी चीज़ें रखूँगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। बतासी रख दी, लौंग रख दी, कंडी अभी मम्मी जला रही है बाहर, मैया नहा ली मम्मी न... अच्छा ठीक है, फूल कहाँ है? ठीक है। तो मैंने ना कपड़े उनके चेंज कर दिए, सारी चीजें कर दी, बस मैं अपना यहाँ के टीका वगैरह लगा दूँ माता रानी का, और फिर अग्ञारी आ जाएगी, सभी लोग यहाँ पे पूजा करेंगे। और इधर जौ रखे हुए हैं, तो इसमें से कलश ले जाके फिर ये पहले फोड़ दिया जाएगा, फिर जब कन्या लांगड़ा होंगे तो उन बच्चों को प्रसाद के रूप में ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ से ना थोड़ा सा दीपक वगैरह जला लेती हूँ। एक चम्मच पानी, लांगुर कहाँ पे चढ़ाई? लांगुर की तो 11 में हुई। भोग चढ़ा दी बेटा, मुझे
साथ में है तो फिर भी जा मेरा लौंग चढ़ा दिया जाएगा। मेरे पे घी चढ़ा देंगे ले मैं तू ये मेरी है क्या हाँ ये हाँ जलता है तुम्हें चाय नहीं तुम्हें क्या खाना पी लेती समझ में समझने की इच्छा नहीं गई ये बताया तो यार बाबू तुम भूख लगाओ इस पे चढ़ाओ इस पे चढ़ाओ मम्मी के पर चढ़ा दे यहाँ चढ़ाओ इनमें से ले ले चढ़ाओ जहाँ मैं मैया वाली में तो ना चले लांगुरा की जहाँ में थे मैया के जहाँ में थे जहाँ जहाँ वहाँ के इस पे लांगुरा की चढ़ा दो अभी बम घी होता था ना पत्ती जल जाए ना घी डाल नमो नमो दुखे शिव कनी नमो नमो अमे दुखा नी निरंकार ज्योति तुहारी तिमु नु फैले जय सतनारा तुम मे सारा नेत्र प्रकटि विकराल जय हो माता रानी। तो यहाँ की हमारी पूजा हो गई है, अब हम लोग जाएंगे चामड़ पे। तो मैं मम्मी और दिव्यांश हम लोग जा रहे हैं चामड़ पे अभी जल चढ़ाने के लिए, और वहीं पर अग्नि वगैरह भी चढ़ाई जाएगी। यहाँ की चामड़ मैया सामने जो आपको दिख रही है, बस यहीं पे हम लोग ना पूजा करेंगे। जी पकड़ा। जय हो माता रानी। थैला हो चामड़ मैया हो भैरो बाबा छुपाओगे का। हलवा हाँ जा मेरा के हलवा जा पे रखो। 11 है जाएंगे दोनों पे रख दो, कम होता आधा आधा रख दो है ना। तो हम लोगों को मिल गई है यहीं पर चामड़ परी बच्चे प्रसाद में रख दिया, पैसे और जेई में रख दूँ हाँ दो ना। चल 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 तो हमें ना सारी कन्याएं लांगुरिया यहीं पे मिल गए हैं, तो यही हम लोग सबको प्रसाद दे के जाएंगे, यही खिला देंगे, कंचन यही कर देंगे। हाँ और बच्चा भी वो नहीं आई, वो छोटी सी जो उधर बैठी थी किसके साथ आ रही थी वो उधर नहीं आई, चल वापिस में दे देंगे उधर। तुम दोनों करोगे
अब तुम दोनों कर ऐसे ही सारे सारे रंग जी पांच पांच नाम है पांच पांच नाम रखे ऐसे करते पांच पांच कर लेना मत आपस में लड़िया मत तुम दोनों इसको है बाय दादाजी छोड़ा बैठ जा तुम दोनों कर लेना पांच पांच कर लोगे कर देंगे नहीं करोगे तुम दोनों कर लोगे इसको पांच रुपए दे देना इससे बस हो गए सब बढ़िया रहे तो यही बचूंगा कर दे खा ले थोड़ा थोड़ा तो खाओ खाए भी नहीं है वो कचू का रहे हो ना नेक नेक प्रसाद तो खाओ ना अच्छा जय माता दी एक बार बोलो सब जय माता दी जय माता दी अरे आज कंचन बहुत ही अच्छे से हो गए देखो सभी आ रहे हैं बच्चे साथ में मंदिर पे ही मिल गए थे हमें सारे के सारे बच्चे पता घर पे बहुत ही दिक्कत हो जाती है फिर बच्चे मिल नहीं पाते कुछ समस्या है हमारी गली में वैसे भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम हैं तो इसलिए हमने अपने चामड़ पे माता रानी के द्वार पे ही अपना प्रसाद बांट दिया सभी बच्चों को तो आप सभी को जय माता दी फ्रेंड्स और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ मैं पहुँचती हूँ अब घर तो पूजा करके अब हम लोग आ गए हैं घर और दिव्यांश खा रहा है अपना भोग पूजा बाकी उनकी बची हुई थी तो ना सारी चीज़ें वैसे तो खाने पीने की ऑलमोस्ट सब चीज़ तैयारियां कर ही दी थी और कन्या लागरा हम लोगों ने वहीं पे कर दिए पूजा हमारी बहुत ही अच्छे से होगी बहुत 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 बढ़िया से तो मैं अभी ना भिंडी काटने जा रही हूँ दिव्यांश के लिए क्योंकि वो खाएगा भिंडी की सब्जी से पूड़ी वगैरह जो भी बनी है वो सारी चीज़ें तो बस मैं इसको कट कर देती हूँ उसके बाद में फिर मैं बनाऊंगी थोड़ी सी चाय वगैरह तो जल्दी जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ उसके बाद में करती हूँ आप लोगों से बातें